नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की नेताओं ने दिया है बड़ा बयान। नेताओं ने कहा है कि अखिलेश सरकार में मिलेगी हर योजना का लाभ। जहां आपको हम बता दें, जिला बरेली नवाबगंज विधानसभा की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है। दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर राजनीति आरोप मढ़ रहे हैं। वहीं सपा कार्यालय पर आज मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपनी पार्टियों की उपलब्धि के नाते गिनाई। वहीं बताया कि 2022 में अखिलेश सरकार बनने जा रही है, जिसमें हमारे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली हर जनता के लिए फ्री देंगे। इसके साथ साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन और समाजवादी पेंशन, इनसे हर व्यक्ति को 1500 रुपए दिए जाएंगे। आइए डालते हैं राजेश कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। अनिल गंगवार मेरा नाम है। क्या कहेंगे जो दौर चल रहा है इस समय चुनावी? नहीं, सपा के पक्ष में सारा माहौल है। भाजपा भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा के पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें भाजपा ने कोई काम नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार। सिवाय इन्होंने हर चीज़ की महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ा, हर क्षेत्र में भाजपा जो है विफल रही है। इस बार अगर समाजवादी सत्ता में आती है तो पहली प्राथमिकता उसकी क्या रहेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपनी प्राथमिकताएँ तय कर दी हैं और हम लोग सबसे पहले तो किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो बिजली तो जो है, अगर 24 घंटे की आप बात करेंगे तो 24 घंटे तो आ ही जा रही है। नहीं, 24 घंटे बिजली आने का मतलब और 300 यूनिट बिजली की देने का मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो कोई उनसे एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता। 300 यूनिट बिजली हम किसानों को फ्री देंगे, किसानों को ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को फ्री देंगे। इसके संबंध में ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। बीजेपी वाले एक आरोप लगाते हैं कि समाजवादी जब पहले सत्ता में थी तो बिजली की जो दुर्दशा थी तो वो जो है बीजेपी वालों ने सुधार किया उसको। नहीं, बीजेपी वालों ने उसमें क्या सुधार किया है भाई? जितने पावर हाउस बनाए गए वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए, और जितनी व्यवस्था समाजवादी सरकार ने की उतनी व्यवस्थाएं जो है उन्हीं व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए बीजेपी ने उसमें काम किया है। क्या आंकड़े हैं? बीजेपी ने अपना कोई पावर हाउस और कुछ नहीं बनाया। क्या आंकड़े इस बार समाजवादी कितनी सीटें लेके आ रही प्रदेश में? ये काम किया शमशान के लिए, कुछ ले लिया, क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी ने कब्रिस्तान के लिए काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी शमशान के लिए काम करके दिखाएं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा निष्पक्षता से काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और बहुत विकास किया है, गाँवों में बहुत विकास किया है, किसानों की आपासी माफ की थी और किसानों के लिए बहुत कुछ किया है समाजवादी पार्टी ने। युवाओं की बेरोजगारी के लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को निराश किया है और हताश किया है। नौजवान हताशा की स्थिति में है, निराशा की स्थिति में है। नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, कहीं पर नौकरियां नहीं दी। जो भी परीक्षाएं भी हुई, जो भी नियुक्तियों के संबंध में जो भी परीक्षाएँ हुई और सारी की सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जो एक बहुत वैसा कदम है भारतीय जनता पार्टी को फेल्योर की तरफ ले जाता है। और समाजवादी पार्टी सरकार जब भी आएगी, तो समाजवादी सरकार पहले भी थी, 2012 से 17 में थी, तो अखिलेश जी ने बहुत काम किया था, नौजवानों के लिए काम किया था, बहुत नौकरियां दी थी, लैपटॉप बांटने का काम किया था, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है और नौजवानों का भविष्य समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। चुनाव करीब है, ऐसे में क्या रुझान है जनता का? जनता जो इस बार जो वोट करेगी तो क्या मुद्दे होंगे जनता के, विकास के नाम पर या धर्म जाति के नाम पर? इस बार जनता जो है वो विकास के नाम पे पीछे वोट करना चाहती है, और जनता महंगाई के नाम पे वोट करना चाहती है, जनता बेरोजगारी के नाम पे वोट करना चाहती है, जनता और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं उस पे वोट करना चाहती है। जैसा कि योगी जी ने जो आंकड़ा पेश किया है 80/20 का, उस पर क्या कहेंगे? योगी जी प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन वो इस समय जनता सब ये चीज़ जान चुकी है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना नहीं है। हमारी पार्टी ने 85 और 15 का नारा दिया है कि 85% हमारे साथ हैं, 15% उनके साथ हैं। हमारी पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ को जाना चाहती है।
नाम जानना चाहेंगे। सेठ सिंह गंगवार। क्या कहेंगे चुनावी माहौल से? चुनावी माहौल के बारे में कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है, सारा माहौल है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समझ लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ये झूठे वायदे करते हैं और सब कुछ इनका झूठा है, झूठ की बुनियाद पे ही ये राजनीति करते हैं। और आज जो हवा है वो सपा के पक्ष में है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में है, और साइकिल पर मोहर लगाकर समाजवादी पार्टी को जनता विजयी बनाएगी। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं 12 साल की समस्या, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि किसानों ने ही छोड़े हैं। नहीं, आवारा साढ़ का ये बीजेपी का सगुफा है। किसान बहुत परेशान है, आवारा रात रात भर जागता है, और जो जानवर हैं वो उनको एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं और पूरा खेत नष्ट कर देते हैं। ये सब ये बीजेपी सरकार की ही देन है, और किसान चाहता है कि ये इनसे हमें मुक्ति मिले, तो किसान के लिए इसीलिए किसान बीजेपी को हटाना चाहते हैं। किस तरह से मैनेज करें? समाजवादी सरकार जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो बहुत योग्य हैं और इस छात्रों की समस्या को बाखूबी जानते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि बहुत बड़ी मात्रा में वो जो है रोजगार देने का काम करें।